अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, जो जेएनएम का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है वो तो वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने पहला टॉपिक भी सेंड कर दिया है। 13 टॉपिक है टोटल, मैंने पहला टॉपिक सेंड कर दिया। आप वहाँ से स्टडी मटेरियल फ्री में आपको मिलेगा, आप वहाँ पढ़ सकते हो। चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, पेपर आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह का आता है, आंसर की भी बताऊंगा आपको कहां से मिलेगी, वो भी आपको देखना है। वीडियो पूरा देखना, आपको पेपर पैटर्न में बताऊंगा, पेपर को अच्छे से देखना किस तरह का पेपर आता है, और पहले सॉल्व करने की कोशिश करना कि मुझे पेपर आएगा कि नहीं। यहाँ पर जो जेके बोपी जेएनएम लेटरेंट्री का पिछले साल एंट्रेंस हुआ था, जेके बोपी सीईटी 2023, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। इसकी आंसर की भी बताऊंगा मैं आपको कहां से मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क। कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है, आप सोचिए क्या इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसका सी पार्ट है, मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये यहाँ पर गलत आंसर है। उसके बाद गावा, लेमन, ऑरेंज एंड टमेटो आर रिच इन किस में होते हैं, इसका यहाँ पर जो है सी पार्ट है, विटामिन सी। पोटैटो, क्रेल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन किस में होते हैं, वो रिच प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। सोचिए पहले इसको, इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट में वो रिच होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें कौन सा जो है कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं है, फैट्स, फाइबर्स, वाटर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है सारे ये यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फूड है, फैट्स भी फूड का कंपोनेंट है, फाइबर भी है, वाटर भी है, तो इसका आएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको समझना पड़ता है। तो फैट्स भी है, फाइबर भी है, वाटर भी है, तो इसका आएगा नन ऑफ द अबव। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज, कौन सा यहाँ पर मिनरल जो है एसेंशियल मिनरल है रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी कौन सा है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी, सोडियम भी, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट ऑफ्टन यूज कार्बोहाइड्रेट इज, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब मोस्ट यूज्ड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका जो आंसर आएगा मतलब अब जो है ग्लूकोज में यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका ए पार्ट आएगा आंसर। उसके बाद ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन एमडीडी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी क्वेश्चंस भी, द ब्लड कंटेंस 90% ऑफ वाटर, 70% ऑफ वाटर, 80% ऑफ वाटर और 80% ऑफ वाटर, कौन सा इसमें सही है, ये आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, पहले पूरा देखिए, वहाँ पर आपको जो है आंसर की भी मिलेगी, पेपर भी मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा आपको टॉपिक वाइज वन बाय वन। एक टॉपिक पहले सेंड किया है वो आप पढ़ लेना, उसके बाद बाकी भी सेंड करूँगा, कैवेने भी आते हैं वहाँ पर, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होगी वहाँ पर, तो ज्वाइन कर लेना। ऐसे ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, विच एसिड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, मतलब कौन सा एसिड जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आपको देना है क्या है, कमेंट्स में आप आंसर भी देख सकते हो।